नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम अध्याय चार कार्बन और उनके यौगिक के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन क्या होते हैं और यौगिक उनके यौगिक क्या क्या हैं। तो पिछले अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये आयनिक यौगिक का अध्ययन किया था जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, फेरस ऑक्साइड, इस प्रकार के हमने ये बहुत सारे यौगिक पढ़े और उनके उपयोग क्या क्या थे उसे भी हमने देखा हुआ था। सोडियम क्लोराइड है, इनका उपयोग होता है कि हम नमक के रूप में इनका उपयोग करते हैं। तो इस अध्याय में हम इसी प्रकार के एक यौगिक के बारे में और उनके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप हमारा 4.1, ये क्रियाकलाप क्या है? तो हम सुबह जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसके हम सूची बनाएंगे और अपने मित्र से भी कहेंगे कि भाई तुम भी बनाओ। तो हम सुबह जो वस्तुएं उपयोग करते हैं, जैसे कि हम साबुन का उपयोग करते हैं, किसी भी क्रीम का उपयोग करते हैं, या फिर किसी भी तेल का उपयोग, ऑयल का उपयोग करते हैं, और ये हमारे जो कंघी होते हैं बाल झाड़ने के लिए, ये सब एक कार्बन के द्वारा बने ही एक होते हैं। जैसे कि हमारा कपड़े का उपयोग हम करते हैं, दवाइयों का उपयोग करते हैं, पुस्तकों का उपयोग करते हैं, इस प्रकार से हम कार्बन के बहुत सारे उपयोग करते हैं। तो हमने अपने सहपाठी से भी ये सूची बनाने के लिए कहा और आप और वो अपने आपके सहपाठी दोनों मिल करके दोनों सूची मिलाइए कि क्या कोई ऐसा यौगिक है जो आप दोनों ने मिलाया, ऐसा कितने कितने यौगिक आपको मिल रहे हैं। तो एक से अधिक सामग्री से बनी हुई वस्तुओं को इनमें आप लिखिए। जैसे कि हमारे धातु से बनी हुई वस्तुएं, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, ये धातु से बनी हुई वस्तु है। जैसे कि सोना है जो होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही मुलायम होता है, तो उसमें मिश्र धातु मिलाई जाए, तो मिश्र धातु मिलाने का मतलब तो यही हुआ ना, तो एक से अधिक सामग्री उसमें मिलाई गई या बनी। और हमारा ये लोहा होता है, लोहा बहुत शुद्ध और नरम होता है, तो उसमें कार्बन मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील हो गया, उसमें निकेल और कॉपर मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे वस्तु एक से अधिक सामग्रियों से बनी हुई वस्तुओं का भी उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो इसमें अधिकांश वस्तुएं कार्बन से बनी हुई, जितने भी उपयोग हमने देखे उनमें से बहुत सारी वस्तुएं जो हैं उससे कार्बन की ही बनी होती हैं। तो इस परीक्षण करने के लिए हम कोई विधि सोच सकते हैं? जी हाँ, इसका परीक्षण करने के लिए हम उसे जला करके, किसी पदार्थ को जला करके देखेंगे कि उसमें कौन सी गैस निकल रही है। तो किसी कोई भी पदार्थ अगर आप जलाएंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें कार्बन की उपस्थिति रहेगी ही रहेगी। तो कार्बन जैसे जो युक्त यौगिक होते हैं उसको जलाने पर हमें कौन सा उत्पाद मिलता है? तो जो कार्बन जैसे युक्त होते हैं उन्हें जलाने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें प्राप्त होता है। तो इसकी पुष्टि के लिए करने वाले परीक्षण को जानते हैं? हाँ, तो इसके लिए परीक्षण हम कार्बन को जलाएंगे, फिर उसके बाद हम और किसी अन्य पदार्थ जैसे कि आप कपड़े को जलाइए, टायर को जलाइए, प्लास्टिक को जलाइए, तो उनमें ये सब कार्बन से बने हुए यौगिक हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो जो यौगिक कार्बन से बने होते हैं उसका दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। तो हमने जो सूचीबद्ध किया था, भोजन, कपड़ा, दवा, पुस्तक, साबुन, इन सब का उपयोग जो है ये कार्बन के तत्व पर ही आधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त जो सभी सजीव की संरचना होती है वो भी कार्बन पर आधारित होती है। सांस लेने के लिए भी कार्बन की आवश्यकता होती है, और किसी भी जीव का शरीर कार्बन से बना हुआ होता है, जिसमें कि मनुष्य के शरीर के अंदर कार्बन 15% पाया जाता है। जो मनुष्य की संरचना होती है उसमें कार्बन 15% उपस्थित होता है, और ये जो कार्बन होता है ये भूपरपटी और हमारे वायुमंडल, जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो परत है भूपरपटी, उसमें ये बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये किस किस रूप में उपस्थित होते हैं? जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम, इनके ही रूप में ये यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ये केवल 0.2% ही इनकी उपस्थिति होती है, और हमारे वायुमंडल में इनकी उपस्थिति कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की? 0.03, इतनी उपस्थिति हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो प्रकृति में इनकी इतनी अल्प मात्रा है,
प्रकृत में इन इन यौगिकों की इतनी अल्प मात्रा है, तब भी इनके बाद भी हम कार्बन का सबसे अत्यधिक उपयोग करते हैं। तो इस इसमें हम कार्बन के कुछ यौगिक या गुणधर्म गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो कार्बन होता है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, हमें सांस लेने के लिए भी कार्बन की आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे हम तो कार्बन निकालते हैं तो कहाँ से हम कार्बन ग्रहण कर रहे हैं, तो जो कार्बन हमारे लिए नहीं है लेकिन पेड़ पौधों वनस्पतियों के लिए तो है, जो हमारे पेड़ पौधे उनको लिए तो कार्बन की उपस्थिति है, क्योंकि वो कार्बन ग्रहण करेंगे तभी तो हमें ऑक्सीजन देंगे, जब ऑक्सीजन देंगे तभी तो हमारा हम ऑक्सीजन लेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, उसके बाद हमारे जल लेंगे, उसके बाद हमारा सूर्य का प्रकाश लेते हैं, ये सूर्य का प्रकाश लेंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे, फिर उसके बाद खनिज लवण लेंगे पृथ्वी के अंदर से, जो उनको उपयोगिता होगी वो तो लेंगे ही। अब जैसे हमारी उपयोगिता है कि हमें पानी चाहिए तो हम पानी लेते हैं, भोजन चाहिए तो भोजन लेते हैं, कपड़े चाहिए तो कपड़े लेते हैं, किताब चाहिए तो किताब लेते हैं, तो उस प्रकार पेड़ पौधे भी अपनी जो इनकी उपयोगिता होती है ये अपनी पूरी कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, ये मिल करके हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं ग्लूकोज, जो कि पेड़ पौधों को ऊर्जा देता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। इतने सारे पदार्थ मिल करके एक होंगे तब हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ये ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी और इस वायुमंडल में चली जाएगी, तो इसका उपयोग हम करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो कार्बन होते हैं इनके आबंधन ससंयोजी आबंधन, पहला आबंधन होगा ससंयोजी आबंध। तो हमने पिछली कक्षाओं में इनके आयनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन किया था कि आयनिक यौगिक होते क्या, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होता है ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों का जब एक जोड़ा आदान प्रदान होगा इधर उधर होगा तब हमें आयनिक यौगिक प्राप्त होगा। तो जो आयनिक यौगिक होता है यह बहुत ही इनके अंदर बहुत ही अंतः आकर्षण बल होता है। तो किसी भी चीज में अगर अधिक अंतः आकर्षण बल होगा तो वो बहुत ही कठोर और उसका जो गलनांक और क्वथनांक है वो उच्च होगा। तो गलनांक और क्वथनांक उच्च होने का क्या कारण हो सकता है, यही आयनिक यौगिक के मध्य आकर्षण बल। उसी आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक ऊष्मा जो है वो खर्च करनी पड़ेगी, ऊष्मा लगानी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तब जाके ये अलग होते हैं। तो इस प्रकार इनके गलनांक क्वथनांक भी उच्च होते हैं। और जो आयनिक यौगिक होते हैं ये कभी ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में करते हैं। तो ठोस अवस्था में क्यों नहीं करते, क्यों गलित ही अवस्था में करते हैं, तो हम जानते हैं कि जो हमारे विद्युत होता है ये इलेक्ट्रॉनों के इधर उधर गमन करने से ही उसका प्रवाह होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, हमारे पास कोई स्विच है और आपने कोई बल्ब लगाया है, तो उस बल्ब को जलाने के लिए हम स्विच को ऑन करेंगे तो वो जो स्विच होता है वो तो बैटरी से कनेक्ट रहेगा, उसके बाद वो बल्ब से, तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो उसका परिपथ पूरा हो जाएगा। जैसे ही परिपथ पूरा हुआ वैसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी तो विद्युत का चालन हुआ। तो इस प्रकार से गलित अवस्था में इनके इलेक्ट्रॉन इधर उधर गमन करते हैं तब इनकी जो होती है विद्युत चालन होता है, ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। तो सारणी जो हमारी 4.1 है इनमें हम गलनांक और क्वथनांक दिए गए उसे हम देखेंगे। एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला होता है CH3COOH, इसका जो गलनांक होता है वो गलनांक इसका होता है 290 केल्विन पे। केल्विन एक माप होती है ताप मापने की, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन, ये सब मापन होते हैं। तो और इसका क्वथनांक क्या होता है, इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। क्लोरोफार्म CHCl3, ये भी एक कार्बन के यौगिक ही है क्योंकि इनमें कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन जुड़े हुए हों उन्हें कार्बनिक यौगिक या कार्बन से बने हुए यौगिक हम कहते हैं। तो गलनांक इसका कितना होता है, इसका गलनांक 209 होता है। इसका क्वथनांक कितना होगा, 334 केल्विन होगा। एथेनॉल, इसे हम एल्कोहल भी कहते हैं। तो इसका क्या उपयोग होता है, इसका उपयोग शराब बनाने में होता है।
इसकी फार्मूला है CH3CH2OH। तो इसका जो गलनांक होता है वो होता है 156 केल्विन और क्वथनांक जो होता है वो 351 केल्विन होता है। मेथेन, ये जो मेथेन होता है ये इसका गलनांक 90 होता है केल्विन पे और क्वथनांक जो होता है वो 111 केल्विन पे होता है। अब हम देखेंगे कि हमने अध्याय दो में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक के अच्छे विद्युत चालक नहीं होते, हमने देखा कि अधिकांश कार्बन के यौगिक जो बने हुए होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा मेथेन था, ये भी तो कार्बन का बना हुआ यौगिक है, कार्बन इसमें है। फिर उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था, तो ये सब विद्युत का चालन नहीं करती हैं। तो हमने देखा कि जो कार्बन होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन कार्बन एक कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट और हीरा, इसकी मदद से हम समझते हैं। तो जो हीरा होता है ये प्राकृतिक रूप से अधातु होते हुए भी कठोर होता है, ये इतना कठोर होता है कि इसका उपयोग हम कांच काटने और पत्थर काटने में इसका उपयोग करते हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने काटने में हीरे का उपयोग करते हैं, ये इतनी मजबूत होती है, इनके बीच इतना अधिक अंत आकर्षण बल होता है। तो ये जो हीरा होता है ये विद्युत का चालन नहीं करता है, और जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कार्बन जो होते हैं ये कुछ विद्युत का चालन करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये परमाणुएं होती हैं इनके बीच आकर्षण बल जो है वो प्रबल नहीं है, जो अंत आकर्षण बल होता है वो इनके बीच नहीं होता है। तो हम यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे, जैसे कि हमने हीरा लिया, उसके बाद ग्रेफाइट लिया, हमने हीरा लिया, ग्रेफाइट लिया, कार्बन का कोल या टुकड़ा लिया, कोयला लिया। तो इनमें जो होता है ये हीरा ही एक ऐसी कार्बन की ऐसी अपर रूप है जिसमें अंत आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, अंत आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ये अपवाद है। तो बहुत सारे अपवाद होते हैं। तो हीरा जो होता है ये विद्युत का चालन नहीं करते, लें आप ग्रेफाइट, ये विद्युत के चालन में अपवाद है, विद्युत का चालन ये करता है, जबकि कार्बन से बने हुए यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हीरा जो होता है ये बहुत ही प्रबल होता है, ग्रेफाइट कम होता है, इस पे अगर आप तेज प्रहार करें किसी भी ठोस मजबूत वस्तु से, इस पे आग अगर मारेंगे तो ये टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा। तो इन यौगिकों में आबंध से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर इन यौगिकों के मध्य अगर आयन आबंध हो, इन यौगिकों के मध्य आबंध बने, तो इससे आयन की उत्पत्ति नहीं होगी। तो हमने देखा कि जो हमारे आयन थे वो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने हुए आबंध थे, तो आयनिक यौगिक कहते। लेकिन जो कार्बन होते हैं इनमें ये एक यौगिक के साझा नहीं करते हैं, या एक यौगिक का शेयर नहीं करते हैं। तो हम जो हैं वो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, जो तत्वों की संयोजकता और उनकी क्षमताएं होती हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती हैं कि उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता क्या है। तो जो कार्बन होता है अगर हम उसे पीरियोडिक टेबल में देखें या फिर उसकी गणना करें, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होगा, वो 6 होगा। तो कार्बन के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण हम कैसे कर सकते हैं, आइए हम नीचे देखेंगे। तो कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे उसे भी हम देखेंगे कुछ इस प्रकार। जैसे कि हमने यहाँ पे एक नाभिक बना दिया, ये कार्बन का नाभिक, फिर उसके बाहर हमने दो कोश बना दिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, और हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पिछले अध्याय में जाना था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया कैसे जाता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वो 2 और कितने बनेंगे, 4, तो 2 और 4। तो इस प्रकार से हम इन्हें देखेंगे कि इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहेंगे।
तो जो हमारा बाह्यतम कोष होता है उसमें हम कहेंगे कि इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन चार होते हैं, अतः कार्बन की संयोजकता चार होती है। चार क्यों होती है? क्योंकि इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए चार इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। कोई भी परमाणु अगर क्रिया कर रहा है तो वो किस लिए क्रिया करेगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब क्यों अब क्रिया नहीं करती हैं? इन्हें आप कहीं भी किसी भी तत्व से अभिक्रिया करते हुए आपने कोई यौगिक देखा है? नहीं देखा है ना। ये क्यों नहीं करती हैं? कभी आपने सोचा कि ये इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके जो अष्टक होते हैं वो पूरे होते हैं। तो जिन तत्वों के अष्टक पूरे होते हैं वो एक अस्थायी या फिर आप कह सकते हैं वो अक्रिय तत्व है, वो अक्रिय तत्व है, वो क्रिया नहीं करेगा। उसके अष्टक पूरे हो गए हैं, उसे जितना चाहिए था उसे उतना मिल गया है। तो अब कार्बन जो है, ये कार्बन को चार इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, आठ। तो कार्बन क्या करेगा? या तो कार्बन चार त्याग दे या फिर कार्बन चार ग्रहण कर ले, या कार्बन चार त्याग दे या फिर कार्बन चार ग्रहण कर ले। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन ना ही चार त्याग सकता है और ना ही चार ग्रहण कर सकता है, क्योंकि जो कार्बन है वो तो ये कोई नियम नहीं है कि आप एक ही साथ चार कार्बन दे दो, ऐसा नहीं होगा। तो और ना ही ये जो कार्बन है ये चार इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, क्योंकि ये इतना छोटा परमाणु है कि इसे चार इलेक्ट्रॉन त्यागने और हीलियम के समान अक्रिय बनने में बहुत सारी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो कि इसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है, और ये जो परमाणु है ये नष्ट हो जाएगा अगर चार इलेक्ट्रॉन त्याग रहा। और ये चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं कर सकता, ये क्यों? कि हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमारे जो प्रोटॉन होते हैं, इन दोनों की संख्या नाभिक में बराबर, परमाणु में बराबर होती है। जैसे कि हमने कार्बन का उदाहरण लिया था, तो कार्बन का परमाणु कितना होता है? संख्या छः। तो छः में हमारे छः इलेक्ट्रॉन, हमारे छः इलेक्ट्रॉन हैं और छः प्रोटॉन हैं, तो वो तो छः ग्रहण कर नहीं सकता। ये तो हमने देखा कि वो छः कैसे त्याग नहीं सकता, उसे बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी और वो नष्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि वो चार ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर संख्या बराबर है तभी हमारा जो नाभिक होता है वो संतुलित रहता है। तो अगर हमने यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, अगर हम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो चार था, अगर ये दो आठ हो गया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो आठ हो गए और हमारे पास जो प्रोटॉन है वो छः। तो जो छः प्रोटॉन आठ इलेक्ट्रॉन को नहीं अटैच कर पाएगा, नहीं उसे संतुलित कर पाएगा परमाणुओं में। और ये जो आठ इलेक्ट्रॉन, जो दस इलेक्ट्रॉन हुए हमारे, ये दस इलेक्ट्रॉन जो हमारे हुए हैं, ये दस इलेक्ट्रॉन परमाणु से इधर उधर भागने लगेंगे। तो इस प्रकार परमाणु जो है वो नष्ट भी हो सकता है। और आप अगर एक एग्जांपल लेना चाहते हैं कि कार्बन की तरह कार्बन क्यों नहीं ग्रहण कर सकता, वो केवल शेयरिंग करेगा, साझा करेगा। जैसे कि आपके पास 50 रुपये हैं और आपके मित्र के पास 50 रुपये है, तो आपने अपने मित्र से कहा कि भाई तुम मुझे 50 रुपये दे दो, मेरे 100 रुपये पूरे हो जाएंगे। तो वो तो आपको पता नहीं देगा कि नहीं देगा, उसे आप देख सकते हैं। और जो हमारा 50 जो मित्र था वो कहा कि आपसे कि अरे भाई तू दे दे मेरा 100 हो जाएगा, तो क्या आप उसे देंगे? आप नहीं देंगे। तो आप दोनों बोलोगे कि चलो हम लोग 50-50 का साझा करके 100 रुपये की चलो पार्टी करते हैं। तो इस प्रकार से आपने 50-50 रुपये का साझा किया। तो इसी प्रकार कार्बन ना ही चार दे सकता है और ना ही चार ले सकता है। इसी प्रकार यही स्थित कार्बन की है कि कार्बन न चार देगा न चार लेगा, वो क्या करेगा? वो साझा करेगा, वो साझा करेगा। तो इस प्रकार हमने कार्बन के बारे में कुछ अध्ययन किया। तो हम जानेंगे कि जो बाहरी कोष होता है उसे अगर पूरी तरह भरा दे तो उसे उत्कृष्ट गैस या अक्रिय या निक्रिय गैस कहेंगे। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर कोष उसके पूरे हो जाते हैं सभी कोष, तो वो अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम तत्वों की अक्रियशील समझाई जाती है।
ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रवृत्ति होती है, इसके ही आधार पे ही हम किसी अभिक्रिया को बता सकते हैं, किसी अभिक्रिया को बता सकते हैं। तो हमने देखा कि जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया कब होती है, जब कोई अभिक्रिया होगी वो होगी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण से या फिर निकालने से, निष्कासन करने से, इसी से अभिक्रिया होगी। तो कोई तत्व तो अभिक्रिया करेगा तो इलेक्ट्रॉन की उसे आवश्यकता होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन उसे उससे अधिक है, उसे देना है, तभी जा करके यहाँ पे क्या होते हैं, अभिक्रिया होती है। तो आयनिक यौगिक से बनने वाले जो तत्व होते हैं वो सबसे बाहरी कोष में वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उसका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं, उस आयनिक यौगिक जो तत्व आयनिक यौगिक बनते हैं उसके बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उसे त्याग करके या फिर उसे ग्रहण करके वो आयनिक यौगिक बनाएगा। लेकिन हमने देखा कि कार्बन एक आयनिक यौगिक बना नहीं सकता, ये कारण हमने देखा कि कार्बन किस प्रकार न इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है न इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो इसलिए उत्कृष्ट गैस नहीं बन सकता, इसे उत्कृष्ट गैस बनने के लिए अभिक्रिया करना पड़ेगा। तो इसके चार इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर गए या खोने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कि ये चार इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4 माइनस, माइनस का चिन्ह यहाँ पे इसलिए लगा कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें माइनस होता है, वो ऋणायन बनाता है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी और प्रोटॉनों की संख्या कम होगी, तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऋणात्मक संख्या वाले ये सब ज्यादा होंगे, पॉजिटिव कम होंगे, तो इसलिए हम इसे प्लस से दिखाएंगे। और ये चार इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, ये C4+ बनाएगा, क्यों, अभी तो ये माइनस बना रहा था, अभी प्लस कैसे बना दिया। तो हमने देखा कि जो कार्बन है अगर वो त्याग रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं और जो प्रोटॉन है वो अधिक हो रहे हैं। तो जब प्रोटॉन अधिक हैं, इलेक्ट्रॉन कम हैं, तो आप यहाँ पे सोडियम ले सकते हैं समझने के लिए। तो जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 1, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। तो हमने 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को देखा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा अपना अष्टक पूरा करके अक्रिय गैस बनना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे, 11 प्रोटॉन तो पॉजिटिव जो धनात्मकता है ये तो ज्यादा हुई। तो इसीलिए जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धन आयन बनाता है, ग्रहण करेगा तो ऋण आयन बनाएगा, वो ऋण आयन बनाएगा। तो ये ना चार खो करके कार्बन जो है ये C+4 बनाएगा, लेकिन ये चार इलेक्ट्रॉन खो करके 6 प्रोटॉन वाले जो नाभिक होते हैं उसे तो ये संभाल नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन धन आयन बनाने के लिए उसे अत्यधिक ऊर्जा चाहिए, इसे बहुत ही अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। कार्बन अपने अन्य परमाणु जैसे अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो हमने देखा कि ये ना ही इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना ही दे रहा है, तो ये करेगा क्या, ये साझा करेगा, ये साझा करेगा कि भाई चलो हम आपसे साझा कर रहे हैं। जैसे कि आपके स्कूल में कोई भी लड़का होगा वो खाना नहीं लाता है, वो शेयरिंग करके खा रहा है, शेयरिंग करके वो खा रहा है, तो उसे पता है कि हमारा काम तो शेयरिंग करना है ही, वो मिल बांट के खा रहा है या फिर खा रहा है, कोई लाया है तो बोलेगा एक दे दो हम भी खा लें, आप तो दे दोगे भाई खा लो। तो इसी प्रकार जो कार्बन है इसकी भी यही होती है कि ये साझा करता है, ये साझा करता है, ये साझा करने के बाद एक अक्रिय गैस होती, तभी इसकी अगर ये साझा कर रहा है तभी इसके जो बाह्यतम कोष की जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते समय ये समस्या को, ये अपनी समस्या को सुलझा लेता है कि हमारी समस्या क्या है। जब ये साझेदारी करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरा कर लेगा। केवल कार्बन ही नहीं, जो भी अनेक तत्व जो भी तत्व पाए जाते हैं अन्य, वो भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणु का निर्माण करते हैं, बहुत सारे परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण करते हैं।
तो जो अन्य तत्व भी होते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करते हैं, जैसे हमने सोडियम का वो उदाहरण लिया था। तो परमाणु के बाहरी कोष में, जो परमाणु का बाहरी कोष होता है, और इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त करते हैं। ये दो तत्व तो तभी क्रिया करेंगे जब उन्हें इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी या फिर देना पड़ेगा, तभी कोई तत्व अभिक्रिया करता है। तो इस प्रकार कार्बन की भी संयोजकता पूरी हो जाएगी और जो उससे अभिक्रिया कर रहा है उसकी भी संयोजकता पूरी हो जाएगी। तो इस साझेदारी को सामान्य अणु को ही समझते हैं। तो ये जो साझेदारी बनते हैं इससे बहुत ही कुछ सामान्य अणु बनते हैं जिसे हम देखेंगे। तो इस तरह से जो हमारे अणु बनते हैं वो सबसे समान अणु, सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। इस तरह से जो अणु हमने बने, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि इस प्रकार से जो अणु बनते हैं वो सामान्य अणु में पहला हाइड्रोजन आता है। क्या आएगा? हाइड्रोजन, H2। हाइड्रोजन का संकेत तो H होता है, तो आप क्यों H2 बोल रहे हो? हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वो तो केवल H ही है और आप H2 लिख रहे हो, ये क्यों? तो जो H2 होगा वो एक अणु है। क्या है? वो एक अणु है, वो एक अणु है। तो हाइड्रोजन को एक, अगर अक्रिय गैस बनता है, बनना है हीलियम के समान, तो उसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करेंगे, अब क्रिया करेंगे साझेदारी करेंगे, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसका इस प्रकार से की साझेदारी कर सकते हैं। तो ये साझेदारी जब करेंगे तो हाइड्रोजन H2 एक अणु का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है और उसके के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो होनी चाहिए, अधिकतम दो होनी चाहिए। उसकी वैलेंसी पूरी होने के लिए उसे दो चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास एक ही है, तो उसे अगर अक्रिय गैस बनना है तो वह एक हाइड्रोजन से और अभिक्रिया करेगा, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी कि इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। भाई अगर कोई अभिक्रिया कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो अभिक्रिया क्यों कर रहा है? इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए या फिर उसे इलेक्ट्रॉन त्यागना है? उसके परमाणु के अंदर संयोजी कोष में अत्यधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसे त्यागना पड़ेगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये त्यागने और ग्रहण होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के परमाणु मिल करके हमें हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो हाइड्रोजन का जो प्रत्येक अणु होता है वो निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम, इसके परिणाम स्वरूप जो हमें अणु प्राप्त होता है उसे हम हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त कर सकते हैं। कि अगर हम मान लीजिए कि हमें H2 दिया गया है कोई अणु है, तो इसे आप समझ जाइए कि दो हाइड्रोजन साझा करके एक अणु बनाए हैं और वो हीलियम के समान अक्रिय गैस बन गए हैं। इस प्रकार से हम इसे समझते हैं। तो H2 कभी भी किसी से क्रिया नहीं करे क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे हो गए हैं। तो अब आप कहेंगे कि जो जल होता है H2, वो उसमें आप कह रहे हैं कि H2 क्रिया नहीं करे, यहाँ हम देख रहे हैं कि H2 क्रिया कर लिया है। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन के संयोजक कोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पूरी कर, तो वो एक हाइड्रोजन इधर से ले लिया, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, एक हाइड्रोजन इधर से ले लिया, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, और दो चार छः, तो इस प्रकार से इसकी भी संयोजकता पूरी हो गई। जो ऑक्सीजन था वो भी 8 हो गया। तो इस प्रकार से H2 दिखाया गया है H+H, ये तो H हम देख रहे हैं अलग अलग है ना, तो ये दिखाने के लिए अब आप लिखेंगे HHO, ऐसा लिखेंगे नहीं ना, तो आप इसे H2O लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो H2 जो होता है ये कभी क्रिया नहीं करता क्योंकि ये तो अक्रिय गैस हो चुका है, इसके महत्तम कोष में दो इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ये अक्रिय गैस बन गया है। तो इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म, सहभागी युग्म का मतलब यहाँ पे होता है कि एक दूसरे जो भाग लिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसे सहभागी युग्म में हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनाते हैं। जो जो इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं युग्म बनाने में, उनके बीच एक आबंध बनता है। तो ये आबंध दो परमाणुओं के बीच एक रेखा द्वारा व्यक्त की जाती है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है क्रिया किए हैं तो एक एकल आबंध, अगर दो इलेक्ट्रॉन अब क्रिया किए हैं तो डबल बॉन्ड,
और 3 इलेक्ट्रॉन अगर अवक्रिय किए हैं तो त्रिबल बॉन्ड उनमें हम दिखाते हैं। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड होते हैं इन्हें दिखाते हैं कि हम कितने इलेक्ट्रॉन साझा किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन साझा किए हैं। तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता क्या होगी, तो आइए देखते हैं। जो हमारा क्लोरीन है इसकी परमाणु क्रमांक कितना था, 17। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं 2, 8, 7, 8, 2, 10, 7। इसे अपना ये अष्टक पूरा करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन जो क्या है वो ग्रहण करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। तो ये क्या करेगा, ये एक Cl2 और बुलाएगा, Cl2 को फिर से बुलाएगा, Cl2 फिर से 17, Cl बुलाए क्लोरीन को, ये 2, 8, 7, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों साझा कर लेंगे, बोलेंगे तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, हमारे काम सब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो Cl और Cl के बीच एकल बॉन्ड बना और ये बना दिए Cl2। जैसा कि हमारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एकल बॉन्ड बना और हमें बनाया H2 एक अणु। तो हमने अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं, हम किसी भी अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉनों को हम बिंदु के रूप में दिखाएंगे, एक संकेत के रूप में दिखाएंगे, कि केवल संयोजकता को उस इलेक्ट्रॉनों को ही चित्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें चित्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल संयोजकता कोष जो होता है। तो हम यहाँ पे क्लोरीन का जो हमने क्लोरीन ये जो हमारा परमाणु है इसका हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखा सकते हैं, आइए देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक नाभिक लिया और उसके चारों ओर ये हमने कोष बना दिया, तो ये हमारे कोष पूरे हो गए। तो ये हमारा क्या था, क्लोरीन 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख लीजिए 2, 8 और 7। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है क्योंकि जो नाभिक होते हैं, नाभिक दो अणुओं से मिलकर बना होता है, एक तो प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे प्लस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसीलिए जो नाभिक होता है उसके अंदर केवल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे पॉजिटिव कहा जाएगा। और नाभिक के चारों तरफ एक कोष बने हुए होते हैं जिसे हम प्रदर्शित करते हैं KlMnO, इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं। तो इन कोषों में आप इलेक्ट्रॉनों की निर्धारण कैसे करेंगे, इसके लिए आपका सूत्र होगा 2n2। तो n ये कहाँ होगा, ये होगा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। इसे हम निर्धारित कर सकते हैं कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो हमें अगर पहला कोष है तो ये 2 और 1, इसका स्क्वायर आप कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2, 1। तो के कोष में हमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कोष हम देखते हैं इसे भी 2n2 से निकालें, तो दूसरे कोष में 2 ये रहा, तो ये हो गया हमारा 8। दूसरे कोष में हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये n जो है ये एक परमाणु क्रमांक है, अगर परमाणु जो हमारे कोष होते हैं, कोषों की संख्या आप लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या कितनी है, इस प्रकार से आप ये निकाल सकते हैं कोषों में कितनी इलेक्ट्रॉन, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसका जो निर्धारण होता है ये 2n2 से ही होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो हम देखेंगे कि इसके पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके दूसरे कोष में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 और 8 ये हुए, और इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सात, तो इनके इसके बाद आत्म कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये सात इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे हो गए। तो इसे अगर अष्टक पूरा करना है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा कि इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो इस प्रकार से हमने संरचना को भी देखा कि हम किस प्रकार संरचनाएं बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर आप इसे और कम लिखना चाहे तो इसे आप इस प्रकार दिखा सकते, केवल उसके आप संयोजी कोष को ही आप दिखा दीजिए। तो क्लोरीन उसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, तो एक सात इलेक्ट्रॉन थे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसे दिखा सकते हैं हम केवल Cl एक बिंदु से, ये हमने दिखा दिए इसके संयोजी कोष में भाई इसे एक इलेक्ट्रॉन जो है ये प्राप्त करना है। या फिर आप दिखा दीजिए दो फिर चार उसके बाद छः एक इलेक्ट्रॉन ये सात, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, मान लीजिए ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लिया, तो हाइड्रोजन की भी जो है वो पूरी हो गई, क्लोरीन की भी पूरी हो गई, इनके बीच एकल बंध बना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं HCl, या फिर इसे लिख सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी से हमारा बनता है, एकल बंध हमने दिखा दिया। तो जब कोई एक युग्म इलेक्ट्रॉन अभिक्रिय करेगा तब हमें एकल बंध मिलेगा, दो युग्म इलेक्ट्रॉन अभिक्रिय करेगा डबल बॉन्ड मिलेगा, इस प्रकार से हमने ये देखा। तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच हमें दो आबंध क्यों दिखता है, जो ऑक्सीजन होता है इनके बीच हमें दो आबंध क्यों दिखता है। तो ऑक्सीजन का जो हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वो बनेगा, इसकी जो संयोजकता होती है या उसकी जो परमाणु क्रमांक होता है वो आठ होता है ऑक्सीजन का, तो इसका आठ होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो छह होगा, इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा दो। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास दो चार और ये दो छः, ये एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, ये दो ये दो ये दो ये छः एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि छः छः इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लिया तो ये बना दिया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, और इनके बीच ऐसे दो बॉन्ड बन गया इस प्रकार, तो हम दो बॉन्ड इस प्रकार हम इसको दिखा सकते हैं। तो आइए इनकी गिनती करते हैं, क्या इनका अष्टक पूरा हो गया, तो दो चार छः आठ पूरा हो गया, दो चार छः ये आठ, इस प्रकार से हमने देखा कि इनके अष्टक भी पूरे हो गए हैं। अब हम तो इस प्रकार हमने देखा कि ऑक्सीजन के बीच दो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होती है तो दो आबंध बनते हैं, और नाइट्रोजन ये एक द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध हो गया, जो नाइट्रोजन होता है इसमें हम कैसा आबंध देखेंगे जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो सात होती है, तो सात का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं नाइट्रोजन का तो ये होगा दो पाँच, इसे अष्टक पूरा करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, ये क्या करेगा ये तीन इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करेगा कुछ इस प्रकार, तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया तो जो नाइट्रोजन होता है उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करनी पड़ती है, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन के तीन सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं ये तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझेदारी किए, तो इससे तीन सहभागी, सहभागी मतलब कि एक दूसरे से भाग लिए, एक दूसरे में भाग लिए पार्टिसिपेट किए, तो ये सहभागी युग्म कहे जाएंगे। अब आप जो इसे एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं, ये तो हमारा बना था हाइड्रोजन में, ये हमारा बना था ऑक्सीजन में, ये हमारा कैप्स में बना है नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन के प्रकार बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन तो है ही पोटेशियम आर्सेनिक एंटीमनी, उसके बाद आपका बिस्मिथ, ये सब तीन तीन
परमाणु है, अगर इन दोनों में अभिक्रियाएं होगी तो ये तीन तीन आबंध वाले सहभागी युग्म बनाएंगे। तो N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो होती है ये त्रिआबंध होती है। यहाँ पे हम दिखाया गया है कि ये तीन आबंध है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये कुछ इस प्रकार होगा, 2, 4, 5, इसे तीन इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता अभी और है। ये तीन इलेक्ट्रॉन से आदान साझेदारी करेगा तो हमें त्रिबल बंध जो है वो मिलेगा। तो अमोनियम के अणु सूत्र NH3, जो अमोनियम होता है इसका सूत्र क्या होता है, ये NH3 होता है। तो क्या हम इसे अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है इसे दिखा सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था NH3। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 7 और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है हमारे पास, ये इस प्रकार। इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे भी 2, 5, इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे नाभिक बना दिया इसके चारों तरफ, तो ये रहा हमारा नाइट्रोजन। तो इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें हाइड्रोजन से इसकी क्रिया करानी है, ये नाइट्रोजन है। अब हाइड्रोजन जो होगा हमारा, ये हाइड्रोजन हुआ, एक हाइड्रोजन इससे अब क्रिया किया, एक हाइड्रोजन इससे अब क्रिया किया। तो अब क्या बनेगा, जो हाइड्रोजन है हमारा ये एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा। तो इस प्रकार हाइड्रोजन की भी वैलेंसी पूरी, और नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 हाइड्रोजन से ले लिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 पूरे, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे, ये तो हमारे हो गए। और जो हमारा नाइट्रोजन है उसमें ये नाइट्रोजन के भी पूरे हो गए 2 2। आइए गिनते हैं, 1, 2, 3, 3 हाइड्रोजन ने साझेदारी किया। तो 1, 2 इसके अंतिम मतलब जो अंदर वाला पहला कोष तो पूरा है। अब दूसरी गिनती करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस प्रकार इसके 3 इलेक्ट्रॉन हमें नाइट्रोजन को मिल गए। तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, N एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक H, एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H। तो ये अभिक्रिया किया है कुछ इस प्रकार जैसे कि हमने देखा था। इसे हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में NH3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड बना, आप देख सकते हैं एकल बॉन्ड बना। हाइड्रोजन और इसके बीच एकल बॉन्ड, इसके भी बीच एकल बॉन्ड, इसके भी बीच एकल बॉन्ड, क्योंकि इन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की तो एकल बॉन्ड बना। तो हमने यहाँ पे देखा, तो इसमें दर्शाया गया होगा कि किसी भी चार परमाणु को उत्कृष्ट गैस जो है वो विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई, कि जो उत्कृष्ट गैस के जितने भी परमाणु होते हैं उसकी स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। तो इन अणुओं में एक आबंध, द्वि आबंध, त्रिआबंध, कौन सा आबंध होगा, हमने देखा कि उसमें एक आबंध होगा, एकल बॉन्ड होगा, एकल बंध होगा, हमने ये चित्रित करके देख लिया। अब मेथेन को देखते हैं कि जो कार्बन का एक यौगिक है, मेथेन CH4, ये मेथेन है, ये भी एक कार्बन का यौगिक है। तो हमने बताया कि इसका उपयोग जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन भी इससे नहीं होता है, इससे जो भोजन होता है वो बढ़िया बनता है, और ये बायोगैस में संपीडी प्रकृति CNG का प्रमुख घटक, एक CNG होती है, एक प्राकृतिक गैस होती है, इसमें इस CH4 का बहुत ही अधिक जो है ये महत्वपूर्ण होता है। तो कार्बन का जो बहुत ही सरल यौगिकों में से यही एक मेथेन का सूत्र जो CH4 है।
जितने भी कार्बन के यौगिक हैं उसमें सबसे सरल यौगिक एक मेथेन है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता एक है, कार्बन चतुस्संयोजक पर चतुस्संयोजक है, इसकी संयोजकता चार होती है, चार ही से चाहिए, तो इसे हम चतुस्संयोजक परमाणु भी कहते हैं। तो इसमें चार संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त करने के लिए अगर इसे उत्कृष्ट गैस बनना है तो इसे चार इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा या त्यागेगा, लेकिन हमने देखा कि यह न ग्रहण करेगा न त्यागेगा, केवल ये साझेदारी करता है। तो जो उत्कृष्ट गैस होती है ये कभी अपक्रिया नहीं करती, ये तो हमने सीख लिया है। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जो होता है हाइड्रोजन के चार परमाणुओं के साथ करता है, जो हाइड्रोजन हमें होता है ये इलेक्ट्रॉन के चार परमाणु के साथ अपक्रिया करता है। ये किसका जो है, ये मेथेन, मेथेन का मतलब CH4, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी ये है चार, और ये रही हाइड्रोजन चार, तो चार चार मिलकर के आठ बन गए। आइए गिनते हैं कार्बन के, एक दो चार छः आठ कार्बन के पूरे हो गए, और हाइड्रोजन दो 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 दो, हाइड्रोजन के भी दो पूरे हो गए। इस प्रकार कार्बन की जो संयोजकताएं थी वो संतुष्ट हो गए। तो इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच एक युग्म की साझेदारी होती है, जब किसी भी दो परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अगर कि कोई भी परमाणु है अगर उसके बीच एक युग्म की साझेदारी हो रही है तो उससे बने हुए आबंध को हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी आबंध कहेंगे। तो सहसंयोजी आबंध वाले जो अणु में जो भीतर तो प्रबल आबंध होता है लेकिन इसका अंतराणुविक बल कम होता है, इनमें अणुओं के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो बहुत ही कम होता है। अंतराणुविक बल का मतलब यही है कि अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो बहुत ही कम होता है। तो अब ये कह रहा है इससे जो इस आबंध से जो हमारे सहसंयोजी आबंध से जो यौगिक बना है ये बहुत ही प्रबल होता है। तो हम देखेंगे कि जो परमाणु एकल बंध से जुड़ा हुआ होगा वो बहुत ही प्रबल होगा, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ वो उससे कम प्रबल होगा, वो अपक्रिया करेगा। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, वो बहुत अत्यधिक अपक्रियाशील होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ये सबसे कमजोर होता है, ये सबसे कमजोर सहसंयोजी आबंध होता है। तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इससे जो हमारे क्वथनांक और गलनांक होते हैं इसी के फलस्वरूप कम और ज्यादा होते हैं। तो जितना हमारा अंतराणुविक बल अधिक होगा उतना ही गलनांक क्वथनांक अधिक होगा, मैं उतनी ज्यादा ऊर्जा लगानी, पर जितना कम होगा उतना ही कम होगा। तो आवेशित कण बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी होती है और वे आवेशित कण बन जाते हैं, कोई धन होगा कोई ऋण हो जाता है। तो ऐसे जो सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ऐसे जो सहसंयोजी यौगिक बनते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। अब आइए हम कार्बन के अपर रूपों के बारे में बात करें। कार्बन के अपर रूप, तो प्रकृति में कार्बन के अनेक तत्व उनके भौतिक गुण के साथ बहुत ही विविध रूप में पाए जाते हैं। तो कार्बन के भौतिक गुण क्या होते हैं ये भी उनके रूपों में पाए जाते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट, जो हीरा और ग्रेफाइट होता है ये दोनों कार्बन के परमाणु से ही बने हुए होते हैं। अब हीरा कैसे बनता है, जब किसी भी कार्बन को हम अत्यधिक ताप और दाब दे देते हैं, उसे ज्यादा ताप भी दे दिए और उसे ज्यादा दाब भी दे दिए। अब आप कहोगे कि हीरा पृथ्वी के अंदर पाया जा रहा है तो कैसे हीरा बन गया, ये एक प्रकार का कार्बन ही था। इससे जो है पृथ्वी की जो भूपरपट्टी है इससे दाब मिला, और पृथ्वी की जो गर्मी है, जो ताप है पृथ्वी के अंदर, उससे ये अत्यधिक ताप मिला, तो ये कार्बन हीरे में परिवर्तित हो गया।
तो कार्बन के परमाणुओं में परस्पर आबंध, जो कार्बन के बीच आबंध बनता है, उनके तरीकों के आधार पर हम इनमें अंतर कर सकते हैं। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु, जो हीरा होता है उसमें कार्बन के प्रत्येक परमाणु जो है वो कार्बन के चार अन्य परमाणु के साथ जुड़े हुए होते हैं। जितने भी कार्बन के परमाणु होंगे वो कार्बन के साथ चार परमाणुओं से जुड़े हुए होते हैं, जिससे एक दृढ़ त्रियामयी संरचना बनती है। त्रियामयी संरचना जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम त्रियामयी संरचना कह सकते हैं। ये एक जो है ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो होते हैं ये कार्बन कार्बन के साथ चार परमाणु के साथ ये जुड़े हुए होते हैं, तो जिससे एक दृढ़ त्रियामयी संरचना बनती है, बहुत ही मजबूत संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के तीन अन्य परमाणु के साथ होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रेफाइट की संरचना, एक परमाणु जो होता है वो तीन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तीन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो और ये एक ही तल में स्थित होता है। जैसे कि देख सकते हैं आपकी ये यहीं पे स्थित है, और ये जो है इसी एक तल में स्थित है, ये जो हमारा है ये भी एक ही तल में स्थित। हम देखते हैं कि ग्रेफाइट के जितने भी परमाणु होते हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं। अब हम देखेंगे जिसमें खटकोड़ी भी मिलता है, खटकोड़ के आकार के होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये एक खटकोड़ की तरह है, आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें एक आबंध द्विआबंध होता है, ये जो होंगे ये द्विआबंध होते हैं, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में, जो ग्रेफाइट होता है इसकी संरचना में खटकोड़ी तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। अब हम यहाँ पे अब देखेंगे कि इतना हमारा हो गया ये खटकोड़ी तल, ये तीन और ये तीन, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः, फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ देखें एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। तो हमने देखा कि ग्रेफाइट के जितने भी उनकी संरचना होती है खटकोड़ी तल, ये एक छह परमाणु के आकार में एक ही तल में व्यवस्थित रहती हैं। तो इन दोनों जो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के गुणधर्म अत्यधिक भिन्न होते हैं। तो अगर किसी भी यौगिक में कोई एक ही यौगिक हो, अगर उसमें द्वि आबंध आके जुड़ जाए, एक आबंध हो जाए, दो आबंध हो जाए, इससे क्या होगा कि हमारा जो कार्बन होता है इनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो जाते हैं, ये अलग अलग इनके भौतिक गुणधर्म हो जाएंगे, जबकि जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं ये एक ही समान होंगे। अब अभिक्रिया तो एक ही समान किया है, अब उसे चार इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो अब क्या उसकी रासायनिक गुणधर्म बदल जाएगा, उसे आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इस प्रकार नहीं, उनके रासायनिक गुणधर्म बराबर रहेंगे, मतलब कि समान रहेंगे, उनके भौतिक गुणधर्म बदल जाते हैं। तो हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, अभी तक जो हीरा हमने ज्ञात किया हमारे प्रकृति में ये पाया गया ये सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है ये चिकना और फिसलनशील होता है, ये चिकना होता है, बहुत ही स्मूथ होता है और फिसलनशील, इस पे अगर आप अपनी हाथ पेंसिल को जो लीड बनी होती है ये एक ग्रेफाइट की बनी होती है, जिससे आप लिखते हो पेंसिल की लीड ये ग्रेफाइट, उसे आप छूइए और फिर उसके बाद अपने हाथ को ऐसे रगड़िए एक दूसरे अंगुली को एक दूसरे से, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही चिकना दिखेगा और आपका हाथ जो है वो जल्दी जल्दी फिसलने लगेगा। तो हमने अधातुओं के बारे में पिछली अध्याय में अध्ययन कर लिया था, तो ये जो ग्रेफाइट होता है ये तो एक अधातु होता है, कार्बन से बना है तो अधातु होगा क्योंकि कार्बन अधातु है। तो हमने देखा कि कार्बन विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। शुद्ध कार्बन को अगर हम अत्यधिक ताप और दाब दे रहे हैं तो वो हीरे में परिवर्तित हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया था कि अगर कार्बन को हम अत्यधिक ताप और दाब दे रहे हैं, अब दाब कहाँ से मिल रहा है, पृथ्वी के ऊपर से,
और ताप कहाँ से मिल रहा है, पृथ्वी के अंदर से। इस प्रकार से वो हीरे में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो हीरे मिलते हैं ये छोटे आकार के होते हैं, लेकिन ये जो प्रकृत हीरे होते हैं ये अभेदनीय होते हैं। जो हीरे बनाए जाते हैं, जैसे कि अगर आप हीरे बना रहे हैं, कार्बन को अत्यधिक ताप और दाब दे दिए तो ये छोटे होंगे, और जो प्रकृति रूप से पाए जाते हैं, इसे तो आपने भी बनाया, तो जो प्रकृति रूप से हीरे पाए जाते हैं वो अभेदनीय होते हैं। अभेदनीय मतलब कोई उनका तोड़ नहीं है कि उसे ये इतना अच्छा बनता है ना कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता, इतना बढ़िया बनता है जो प्रकृति हीरा पाया जाता है। तो जो फुलरीन होता है ये क्या होता है, ये कार्बन की एक अपर रूप का अन्य वर्ग है। ये कार्बन का ही एक अपर रूप है, लेकिन ये एक अन्य वर्ग है, दूसरे वर्ग में आता है। इसमें जो है सबसे पहले इसी की पहचान की गई, जिसमें कार्बन 60 का मतलब होता है कि कार्बन के 60 परमाणु आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन कार्बन का जो ये परमाणु थे ये किस रूप में व्यवस्थित थे, ये एक फुटबॉल, जैसा कि आपने फुटबॉल देखा होगा तो ये ऐसे यहाँ पे रहेगा तो ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं, कुछ इस प्रकार ऐसे आप देखेंगे कि ऐसे वो फुटबॉल जो होते हैं ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ये फुटबॉल के आकार में हमें मिले। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं ये फुटबॉल के आकार में, ऐसे ही तो फुटबॉल होता है ना इसी आकार का, तो आप इसे फुटबॉल के आकार में देख सकते हैं। सबसे पहले इसी की पहचान की गई, तो इसे अमेरिका में खोजा गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, ये बकमिंस्टर फुलरीन रख दिया गया। बकमिंस्टर फुलर द्वारा ये डिजाइन किया गया था, तो इसे जो इसकी खोज की थी वो किया था बकमिंस्टर फुलर, तो इसीलिए उनके नाम पे इसे बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी आप संरचना बनाइए। हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी आप संरचना किस प्रकार बनाएंगे, आइए बनाते हैं संरचना। तो हमारे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब हम यहाँ पे कार्बन ले लिए, तो कार्बन का हम यहाँ पे और ऑक्सीजन, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 4, 2 और 6, 2 और 6। यहाँ देखेंगे इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक दूसरे की आवश्यकता के लिए कार्बन को 4, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को फिर से 2 इलेक्ट्रॉन। तो आइए बनाते हैं संरचना। ये हमने कार्बन, तो इसकी हमने 2 वैलेंसी दिखाई, और यहाँ पे हमने लिया ऑक्सीजन, इसकी भी हमने 2 वैलेंसी दिखाई इस प्रकार। एक ऑक्सीजन हमने और लिया था, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया, इसकी भी हमने वैलेंसी दिखाई, 2 वैलेंसी थी इसकी। 2 कक्षक पाए जाते हैं, आइए इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। कार्बन के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 5 भर दिया, 4 हो गए, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसे हम लिख सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए इसके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब हम भरेंगे ऑक्सीजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके भी 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमने दिखा दिए। अब इसे अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों की कुछ
इस प्रकार शेयरिंग कर लिया, ये दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लिया कुछ इस प्रकार, ये दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली। इसे हम दिखाएंगे, अब सामान्य रूप से आप दिखा सकते हो कि ये कार्बन हुआ, इसकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4। ऑक्सीजन हुआ, इसकी भी दो वैलेंसी, इधर ऑक्सीजन, इसकी भी दो वैलेंसी। तो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये भी हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये हमारे कार्बन हो गए। इस प्रकार से हमने अपने कार्बन की जो संरचना थी से हमने पूरा कर लिया। तो ये संरचनाएं एक दूसरे से मिल करके हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि सल्फर के 8 परमाणु से बने, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। कि जो सल्फर होता है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, इसे केवल दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है शेयरिंग करने के लिए। तो आइए बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सल्फर लिया, यहाँ पे हमने दूसरा सल्फर लिया, यहाँ पे हमने तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। इस प्रकार से हमने एक रिंग के आकार में, एक अंगूठी के आकार में इसे हम दिख सकते हैं। तो इसकी जो वैलेंसी होती है सल्फर के, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सल्फर होता है इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसके बाद हमको उसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से हम इनके जो हैं सूत्रों उनको दिखा सकते हैं। इस प्रकार से तो इनकी वैलेंसी को हम डॉट के रूप में दिखाएंगे कि डॉट के रूप में, एक इनको दो दो चाहिए ना, तो यहाँ पे हमने दिखाया ये इस प्रकार, इस प्रकार से हमने उनकी वैलेंसियों को दिखा दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से हम इन्हें दिखा सकते हैं। तो हमने इनके इलेक्ट्रॉनों को भी दर्शा दिया। अब हम इनमें बॉन्ड दिखाएंगे कौन सा बॉन्ड होगा। तो इसमें ये साझेदारी करेगा, ये साझेदारी करेगा, ये हमारे परमाणु साझेदारी करेंगे, ये परमाणु करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे और ये। इस प्रकार से जो सल्फर थे ये एक दूसरे को एकल बॉन्ड से अपने से जोड़ लिए। तो इसे हम दिखाएंगे ऐसे, इसे आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, एकल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, यहाँ पे ये एक एक बॉन्ड से उपस्थित है। तो ये रहा हमारा सल्फर का जो है ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसे हम एक अंगूठी के रूप में दिखा दिए हैं। तो अगले वीडियो में हम कार्बन और उनके सर्वतोमुखी प्रकृति, ये जो है इनके विषय में देखेंगे।